हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल JPSC विद अमन में। और यह जो क्लास है कोर 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, जिनका 5 फरवरी 2024 में एग्ज़ाम है और आज 3 फरवरी है। तो सोचिए, आप लोगों के लिए हम रात जग के क्लास ले रहे हैं और क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग को भी उम्मीद ये होगा कि आप लोग क्लास को देखिए अच्छा से और कोशिश कीजिए समझने का, और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी को क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था की व्यवस्थाओं का वर्णन करें। तो इसका जो न्यायिक व्यवस्था है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। देखिए, हम इसका परिचय भी लिख सकते थे, ये वो दूसरा क्वेश्चन में इसका परिचय के बारे में हम बता चुके हैं, ब्रिटिश का व्यवस्था के बारे में। तो इसमें डायरेक्ट मुद्दा क्वेश्चन पर ही आता है, इसके विशेषताओं ही के बात करने लगते हैं। देखिए, ब्रिटिश न्यायालय की संगठन, देखिए ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में विधि का शासन है। किसका शासन है? विधि का शासन है, क्योंकि वहाँ पर शासन किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं बल्कि कानून के अनुसार चलता है। ठीक है ना, ब्रिटेन में किसी की इच्छा से नहीं, कानून के अनुसार चलता है। इंग्लैंड में विधि सर्वोच्च है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यद्यपि इंग्लैंड में विधि का शासन है। इसलिए यहाँ पर विधि किसका शासन है, तो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर विधि के शासन है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट देखिए, दीवानी न्यायालय। इन न्यायालयों में नागरिकों के पारस्परिक विवादों को सुलझाया जाता है, जिनमें प्रमुख विवाद जो होता है वो जो होता है ना, संपत्ति, मानहानि एवं अनाधिकृत प्रवेश से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि विधि का शासन और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय है। तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही प्रकार के न्यायालय है। तो यहाँ देखिए, ब्रिटिश विधि और न्याय अवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता निश्चित रूप से विधि या शासन ही है। तो एकदम निश्चित रूप से शासन करेगा विधि के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं इनका, फौजदारी न्यायालय। मतलब ऐसे मुकदमे सार्वजनिक कानून के उल्लंघन से संबंधित होते हैं, ऐसी अदालतों में हत्या, चोरी, डकैती आदि के प्रकरण निपटाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, न्यायिक पूर्वावलोकन का अभाव। तो ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत प्रचलित है और न्यायपालिका का यह अधिकार नहीं है कि वह संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित कर सके। ठीक है, तो ये था इनका कुछ पॉइंट। अब देखेंगे ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। पहला, न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा। तो ब्रिटेन का जो संविधान है ना, अलिखित, लिखित संविधान इंडिया जैसा नहीं है, उसमें नागरिक अधिकारों का उल्लेख न होने के कारण उनके अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा विधि के शासन के अधीन साधारण न्यायालय द्वारा की जाती है। एकदम साधारण न्यायालय द्वारा क्या किया जाता, किया जाता है। न्याय कार्य में परिणीता तथा शीघ्र न्याय। ब्रिटेन में न्याय कार्य के विधि नियमों का निर्माण कानून तथा न्याय के विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है, जिससे रूल कमेटी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे रूल कमेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वकील प्रथा तथा खुला न्याय। ब्रिटेन में मुकदमों की कार्यवाही खुली अदालत में ही होती है। कहाँ होती? खुली अदालत में होती, तथा निर्णय भी इसी प्रकार दिए जाते हैं। न्याय व्यवस्था में वकीलों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वहाँ के न्याय व्यवस्था में वकीलों का महत्वपूर्ण स्थान है। निःशुल्क कानून सहायता। ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था, निःशुल्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रशासनिक न्यायालयों का अभाव। ब्रिटेन में विधि का शासन प्रचलित है, जिसके अंतर्गत सामान्य नागरिक तथा सरकारी कर्मचारी दोनों ही एक ही प्रकार के न्यायालय के अधीन है, जबकि इसके विपरीत फ्रांस आदि देशों में सरकारी कर्मचारियों के लिए
अलग से प्रशासनिक कानून की प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था है। जूरी प्रथा, देखिए ब्रिटेन में जूरी प्रथा की भी व्यवस्था है। ये मुकदमे भी सत्यता तथा न्यायाधीशों को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए न्यायाधीशों की निष्पक्षता, इंग्लैंड के न्यायाधीशों की निष्पक्षता प्रसिद्ध है। इसका अनुकरण विश्व के अन्य देशों ने किया है, विश्व के कई अन्य देशों ने भी किया है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन का जो आप लोगों का देख सकते हैं न्यायिक व्यवस्था था, इनका विशेषता के साथ इनके जो मेन मेन पॉइंट थे इनको भी हम क्या कर दिया, आप लोगों को डिफाइन कर दिए। तो इतना ही लिखिए, बहुत ज़्यादा है, आप लोगों का इतना पक जाएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए आप लोगों के लिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इस क्लास को अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।